डोईवाला में होने वाले टाउनशिप निर्माण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार टाउनशिप निर्माण का पूरा मन बना चुकी है, इसके लिए उसने विदेशी कंपनियों को लेआउट बनाने का ठेका भी दिया है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है और किसी भी सूरत में कांग्रेस भाजपा सरकार की लोगों को उजाड़ कर टाउनशिप बनाने की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता गौरव सिंह और तमाम कांग्रेस नेताओं ने डोईवाला में टाउनशिप निर्माण से संबंधित विजय पर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोली। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने बताया कि सरकार डोईवाला की जनता को बहकाने का काम कर रही है। सरकार ने एक विदेशी कंपनी को 87 करोड़ में टाउनशिप का लेआउट बनाने का ठेका दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कागज दिखाते हुए कहा कि ये वो सरकारी दस्तावेज हैं जिसमें साफ लिखा है कि उत्तराखंड में टाउनशिप के लेआउट को तैयार करने के लिए एक विदेशी कंपनी को नियुक्त किया गया है। कागजों में एक विदेशी मैकेंजी कंपनी का जिक्र है जिसे भारत सरकार ने 87 करोड़ सिर्फ टाउनशिप के लेआउट तैयार करने के लिए दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार टाउनशिप निर्माण का पूरा मन बना चुकी है, लेकिन हम किसानों के साथ है। ये देवभूमि है, इसको देवभूमि ही रहना दिया जाए। हम टाउनशिप के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं जो 13 जिले उत्तराखंड के हैं उसमें से 10 जिले पर्वतीय हैं। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के नाम पर यहाँ के जो किसान हैं जिनको गन्ना होता है, लाखों क्विंटल गन्ना पैदा करते हैं, उनको उजाड़ने का काम करेंगे तो ये अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जो अधिकारी इतने सारे विभाग हमारे पास है, क्या करूँ, क्या ऐसा क्या है कि यहाँ पे वो लोग, वो अधिकारी इस काम को नहीं कर सकते और आपको अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी को ये काम देना पड़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों, क्या क्या छुपाना चाहती है सरकार की? हमारे पास क्या ऐसे लोग नहीं है जो इस काम को कर सकें? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कंपनी यहाँ पर टाउनशिप से लेके हर सेक्टर में, मतलब कि टाउनशिप जो नई टाउनशिप बनी है उनके ऊपर काम कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।